जी हाँ दोस्तों, अब हम चलते हैं बगुदा वाटरफॉल। आप देख रहे हैं मेरे लेफ्ट तरफ है IIT हॉलीडे होम्स। यहाँ से हम निकले हैं बगुदा वाटरफॉल के लिए। हम चलते हैं सामने जो विलेज है ये बगुदा से जो है वो 1.5 किलोमीटर के आसपास आता है बगुदा वाटरफॉल। तो चलिए चलते हैं IIT हॉलीडे के होम से बगुदा वाटरफॉल के लिए। ये जो विलेज है, स्मॉल विलेज है, IIT से लगभग 5 मिनट का रास्ता है, 2 से 2.5 किलोमीटर पर। यहाँ देखिए, ये पूरी RCC रोड है। RCC रोड से होते हुए हम चल रहे हैं, प्रोजेक्ट में भी RCC रोड ही जा रही है। ये मेन चौराहा है गांव का, चौराहा बोलते हैं। यहाँ से हम लोग लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगे। हमने गाड़ी मोड़ ली लेफ्ट की तरफ, अब हम सीधे चलते हैं। एक एडवेंचर रास्ता है वाटरफॉल का। हजारों की तादाद में हॉलीडेज के दिन यहाँ पे पब्लिक इकट्ठा होती है। और आप देखिए, पूरी ऑफरोडिंग है। आपके पास अगर टू व्हीलर है तो भी आप जा सकते हैं। हम कार से तो जा ही रहे, ऑफरोडिंग के लिए अच्छी गाड़ी हो तो वो चल सकती है। और इस मौसम में ज़रा ध्यान पूर्वक आपको जाना पड़ेगा। देखिए, जैसा कि सामने आप देख रहे हो रूट कैसा है। ओह, बहुत ही एडवेंचर ऑफ रोडिंग है। नमस्कार दोस्तों, आपका प्यारा दोस्त गोपाल गावंडे। बहुत ही शानदार एडवेंचर प्रोजेक्ट के लिए हम जा रहे हैं। यहाँ पे आगे जाके बगुदा वाटरफॉल की जो बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है और मध्य प्रदेश का, जो कि इंदौर के बिल्कुल पास है, IIT के सामने है। और IIT के सामने ही हमारा IIT हॉलीडे होम्स है। तो IIT हॉलीडे होम्स से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है ये प्रोजेक्ट। आगे दिखाना चाहेंगे, आगे देख लीजिए आगे कैसा माहौल है। किधर चलना है? हाँ, इस तरफ जो है लेफ्ट। ये देखिए, हम दोस्तों उधर निकल गए हैं। देखो किस तरह से पूरी पहाड़ियाँ है, एकदम नेचुरल है, पूरा एटमोसफेयर है। और आज हमारी यात्रा यहाँ पे शुरू हुई। इसी प्रोजेक्ट को लेके हमने सोचा कि ना टूरिस्ट का जो है यहाँ पे रुकने की अपन व्यवस्था कराई जाए, टूरिस्ट के लिए अपन कुछ करें। तो बहुत ही शानदार जो पिकनिक स्पॉट्स के लिए हम लोग आए हैं। चलते जा रहे हैं। ये सीधा रोड है शुभम में। शुभम जो है वो लोकल में यहीं पे रहता है और शुभम के कहने से हम इधर आए हैं। आप देख सकते हैं कि ओ बढ़िया, इधर बारिश, वो बारिश की वजह से कीचड़ हो गया है। बारिश होती है कीचड़, लेकिन कीचड़ में जो मजा है, हम तो कीचड़ में खेलते हैं। ये हमारी गाड़ी भी अच्छी है, फॉर्चुनर है, इससे हमको कोई अभी दिक्कत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। देखो, बोर्ड भी किसी ने रास्ते पर डाल दिया है। और चुनौट में इतनी दिक्कत नहीं रहती है। हाँ, में इतनी दिक्कत नहीं है। देखो, जंगल में हम लोग आए हैं। शुभम, क्या है कि Thank you.
टाटा लगे ना कंकर, बम बोले बम। चलो आगे चलते इधर ही चलना। हम अभी जो है वो लगभग 1.5 किलोमीटर तो पार कर दिया हमने। बहुत ही एडवेंचर रूट है और हमारी गाड़ी भी एडवेंचर है। अब हम पास में आ गए। कितना दूर है और सुबह? बस आ गई है, अब आई है। इतना बड़ा लंबा सफर पार करके हम आ गए हैं। अब लाइन दिखाओ सामने आप, रूट कितना प्यारा है। दोस्तों आपने बगोदा नाम सुना होगा, बगोदा जो वाटरफॉल का नाम सुना होगा, वीडियो भी देखे हो कहीं, लेकिन ये बहुत एडवेंचर पूरा रूट मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। कितना प्यारा है। अभी हम लोग यहाँ से कार से ड्राइव कर रहे हैं, फॉर्च्यूनर के साथ आए हैं 4x4, और बहुत ही अलग मजा आ रहा है इसका। आ रहा ना मजा शुभम? आ रहा ना, गजब का मजा है, बहुत ही बहुत आनंद है। दोस्तों देखो आसपास कुछ भी नहीं है, उधर घुमाओ जरा कैमरा, कैसा जंगल है, एकदम सुनसान पड़ा हुआ है। और ऐसे सुनसान जंगल में हम लोग जो है दो शेर यहाँ पे आए हैं। क्या आप देखिए आगे का रूट और देखिए। इधर क्या है? इधर ये आ गया है वो। ये है पूरा बहुत बड़ी खाई है यहाँ पे मेरे राइट तरफ दिख रही है। इसको थोड़ा पैदल जाना है क्या इधर पे? चले पे चलो, अपन पहले वहाँ पे गाड़ी रख देते हैं। चलो गाड़ी के वहाँ चल रहे हैं। आगे दिखाओ तुम, आगे जितना आगे दिखा सको दिखा दो हमारे को। बताओ जब इधर राइट लेफ्ट सीधा ही जाने। बहुत शानदार, इसको तो आप बढ़िया दृश्य को दिखाओ भैया लोगों को। इधर रखने गाड़ी सीधे नीचे, बस यहाँ पे ही रख दो, छांव देख के रख देंगे। देखते हैं दोस्तों, अब हम उतरे। ओहो स्वागत है आपका बगोदा वाटरफॉल। जैसा कि आप देख रहे हैं आपको मैं दिखाना चाहता हूँ बहुत ही शानदार दृश्य, बहुत ही शानदार नजारा बगोदा वाटरफॉल का। आइए दोस्तों, ये सामने पूरा जन्नत दिख रही है आपको। गजब जगह है, गजब। ये लगता ही नहीं अपन इंदौर के आसपास है, इतनी शानदार लोकेशन, इतनी शानदार जगह, क्या बात है। आओ इधर आओ,
क्या टापू क्या नजारा है। गजब, ओ गजब शानदार, पूरा कैमरा घुमा दिखाओ लोगों को जो शहर में जानना चाहते हैं कि बगोदा वाटरफॉल क्या है। ऐसे नज़ारे, ऐसी पहाड़ियाँ, इसके बाद एक हाँ विहंग में दृश्य जो देखने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि आप इंदौर में हैं कि कहीं बाहर है। पानी की टंकन की आवाज भी आ रही है, कितना शानदार देखो। ये ऐसा नज़ारा तो मैंने भी नहीं देखा, मैंने कितना प्यारा, इसके एक के बाद एक, इसके बाद एक पहाड़ियाँ, क्या गजब नज़ारा है यार। मतलब मैं तो शांति हो गया यहाँ पर, इतनी सुंदर जगह। तो दोस्तों आप इंदौर से कुछ ही दूरी पर है और बगोदा वाटरफॉल बोलते हैं इसको, इसके पास में ही हम लोग हैं और लगभग अभी हम लोग 1.5-2 किलोमीटर अंदर आए हैं जो कि हमारा IIT हॉलीडे होम से उसके बिल्कुल पास है। आप देखिए कितना बड़ा शानदार पेड़ है ये, ऐसे पेड़ जो आपने नहीं देखे होंगे, क्योंकि जो प्रकृति है इन्होंने बहुत चीज़ें दी हमको और इंसान इसको देख ही नहीं पाया। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो आप देख सकते हैं, मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ। देखिए देखो आप, एक के बाद पहाड़ियाँ, ऐसा नज़ारे आपने कभी देखे नहीं होंगे या देखे होंगे तो ये जो नई लोकेशन है आप इसको देखेंगे तो बहुत गजब लगेगा आपको। प्रकृति का अलग ही प्रेम है।